जैसे पोमरेनियन डॉग है ना, तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अगर बाहर के डॉग ने काट लिया तो भाई बहुत ज्यादा काट। हेलो एवरीवन, जय श्री राम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, सुबह सुबह ये देखो पहले सब गाय चरने के लिए जा रही है यहाँ से, और टाइम हो चुका है 10 बजने वाला है, सिर्फ एक ही मिनट बाकी है, और आज है भाई संडे। तो चलते हैं रोजी के पास, और ये देखो कितना सारा सामान ले लिया। जयवीर भी आ रहा है, वहाँ पे शॉप पे गया है। तो यहाँ पे ये है काली जीरी, जो कि हॉर्स को हम जोगण देते हैं ना बाजरा, तो उसमें थोड़ी थोड़ी डाल के देते हैं ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये कड़वी चीज़ है, जो कि उसे देने से बच्चे भी हेल्दी रहता है और रोजी भी। और इसके अंदर है सुखड़ी, इसके अंदर है छाछ, और इसके अंदर है रोटी, बराबर ना। आ गया जयवीर लॉक कर अच्छे से, और देखो कितनी मस्त गाय माता जा रही है यहाँ से। चलते शिवान से मिलते हैं सुबह सुबह, बराबर ना। तो चलो भाई, तो आज वैसे भी संडे है और जयवीर की छुट्टी है, बराबर ना। एग्जाम शुरू है ना, एक रहा एक ही पेपर बाकी है, बाद में वेकेशन। हाय हाय, मजे ही मजे। कितने मंथ का वेकेशन आएगा, एक डेढ़ महीने का आएगा, क्योंकि समर वेकेशन ना थोड़ा सा लॉन्ग होता है, दिवाली वेकेशन छोटा होता है, बराबर ना। तो आप एंजॉय कीजिए, 40 दिन का, मतलब एक महीने के ऊपर 10 दिन। तो एंजॉय कीजिए भाई अपने वेकेशन को। तो यहाँ पे भी हमें काफी सारी गाय माता मिल गए। चलते हैं डायरेक्ट गंगा रोजी के पास, बराबर। और गंगा के लिए अभी हुक तो ले लिया, इसमें मैंने रखा था कहीं, और पट्टा लेना अभी बाकी है। डेली एक एक चीज आती है, एक साथ नहीं आती, क्योंकि वो लेने के लिए हमें जसदन जाना पड़ता है, और वहां पे ना बहुत ट्रैफिक होता है मेन बाजार में, तो कार लेके जाते हैं तो यूजुअली अंदर नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए जब भी बाइक लेके जाए ना तब तो उसका मतलब सही होगा कि ला सकते है। तो चलिए अभी खाना पीना मस्त दे देते हैं रोजी को और डॉग्स को, और गंगा के लिए इसमें कुछ है ही नहीं भाई, रोटी है लेकिन वो डॉग्स को ही खिला देते हैं, और काफी अच्छा लगता है, बराबर ना, मजा आता है ये सब, मतलब व्लॉग बनाने में तो काफी मजा आता है, टाइम ऐसे ही बिताने से तो अच्छा है कि कुछ बना लो, बराबर ना जयवीर, अच्छा लगता है ना व्लॉग में आना, तो भाई गुड थिंग है, गुड चीज है। चलो ये देखो फार्म पे पहुंचते ही ब्लैक बर्ड, ब्लैक चकली, बराबर। वो यहाँ पे जैसे ही गाड़ी आती है ना तो तुरंत ही कांच पे बैठ जाती है, पता नहीं उसे कांच पे खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो चल अब तू उतर नीचे और ये सब चीजें ले ले, धीरे धीरे से गिराना मत, और देखते हैं कि कितने डॉग यहाँ पे है, बिट्टू और वो सब है कि नहीं। ये देखो अब यहाँ पे आके बैठ गए, तो चलो भाई रोजी के लिए सुखड़े लाए और कौन खाने लग गया यहाँ पे सब वो रोजी के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। देखो देने जा रहे, देखते हैं कि क्या करती है। अच्छा यूजुअली कुछ करती नहीं, बराबर है, गंगा बाहर है, छोटी मैया यहाँ पे, इसका नाम छोटी मैया हुतू से, जयवीर बोल रहा है हुतू से। ये देखो दे दिया, कुछ नहीं करा, अननोन पर्सन अगर अंदर जाता है तो फिर पीछे दौड़ती है। सो रहा है मस्त, आराम में है, आराम में। तो चल जयवीर हम चलते बाहर, और इसे मस्त सोने देते, क्योंकि जब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे ना तब तक रोजी मतलब कुछ खाना भी नहीं खाएगी, शिवांश के पास ऐसे ही खड़ी रहेगी, और ये मस्त सो रहा है। चल यहाँ से गंगा के पास, देखना है आज तो ये हाथ आ जाएगा, हाथ आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे 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 गोबर, हाँ दे देगा
बहुत बैठे भाई बहुत बराबर ना, मस्त तो भाई वेदर है आज एकदम। गर्मी हो रही लेकिन एकदम ऐसे पवन वाला वेदर है। और भाई आज कोई भी डॉग नहीं दिख रहा है, कहाँ गए सारे के सारे? बिट्टू ऐसे आवाज देते हैं ना तो इतने इलाके में होते हैं ना तो तुरंत ही आते हैं। तो ये खिलाना भी है लेकिन पहले पुकारते हैं अगर आ जाते हैं तो मैं और जयवीर यहाँ पे गुंदे के नीचे बैठे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है भाई। ये देखो बहुत सारे हैं बराबर ना। इसका क्या बनता है पता है तुझे? क्या बनता है? आथनो आथनो बने भैया नो गुंदा नो आथनो केरी इनका आजकल खाओ नो दसी ने। ओए रानी ये देखो कैसी हो? ठीक ठाक है तबीयत आपकी? ठीक ठाक है तो यहाँ पे दो जगह पे ड्रेसिंग करते हैं, पीछे पूछ में भी है लेकिन वहाँ पे तो भाई टच ही नहीं करने देती। आज तो भाई नेक्स्ट लेवल गर्मी है तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी पानी हो रहा है, मैंने ट्यूब ले गई है ना तो इसलिए। और यहाँ पे देखो कितने मस्त गुलाब आए लेकिन किसी ने निकाला ही नहीं, सारी की सारी पांदड़ी गिर गई। खाना है? हाँ नेक्स्ट लेवल सुगंध आ रही है भाई। और यहाँ पे देखो ये छोटा सा ये बना दिया सीमेंट से, अच्छा सा ओटला, ओटला कह लो या फिर चौकड़ी कह लो जो भी कह लो। अब यहाँ पे हम रानी को नहीं ला सकते। देखो भाग रही, उसे जैसे ही वहाँ पे भूल से भी अगर हाथ टच हो जाता है ना उसके ऊपर तो भाई राड पड़ जाती है, इससे तो चीस नाकती है, इतना मतलब दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो भी स्ट्रीट डॉग है ना वो भी भाई नेक्स्ट लेवल है, पता नहीं कैसे इसको काट लिया। ए रानी अब से बाहर नहीं जाएगी हाँ तू, क्योंकि अब तू डर गई है थोड़ी सी। इस शैम्पू को हम यूज़ करते हैं रानी को नहलाने के लिए क्योंकि काफ़ी अच्छा है, एकदम सिल्की हेयर हो जाते हैं और जितने भी बाल जड़ जाते हैं ना एक साथ ही जड़ जाते हैं नहलाते टाइम। देखो एक प्रॉब्लम है, जब भी यहाँ पे नीम का पेड़ है लिमड़ा तो इसके नीचे रखते हैं ना तो बहुत एक और खरता है, इसकी ग्रोथ जो भी आई होती है ना बहुत ही नीचे गिरती है। नेक्स्ट लेवल भाई लिमोड़े भी आना स्टार्ट हो गई है। देखो यहाँ पे दिखेगी छोटी छोटी है ना, ये देखो दौड़ के आई। इसके ड्रेसिंग करने का टाइम पे ना मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऐसे तो यूजुअली नॉर्मली ड्रेसिंग तो करने नहीं देती तो फिर इसे उल्लू बनाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बेल्ट बांध के हम ले जाते हैं यहाँ पे बाहर, यहाँ पे रखते हैं ताकि उसे ऐसा लगता है कि मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे, और फिर वहाँ पे बिठा के शांति से, वैसे कुछ काटती तो नहीं है, और फिर पकड़ के शांति से ड्रेसिंग करना पड़ता है। यहाँ पे एक पानी है डालने के लिए दिया, उसे क्लीन करने का सब, और उसके बाद ट्यूब लगाने का। तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ऊँच में भी कम है। वहाँ पे तो इसकी जीभ मतलब चाट लेती है ना तो वहाँ पे तो मतलब अच्छा होने लगा है लेकिन यहाँ पे बहुत है भाई। तो मैंने दो चार डॉक्टर को पूछा और जो इसकी वैक्सीन आती है ना वो भी दिलवाई, और 8-10 दिन तक इसको वैक्सीन करना ही करना है, सुबह को और शाम को दो टाइम। यहाँ पे देखो कैसा हो चुका है एकदम ब्लैक ब्लैक, जो इसका खून होता है ना वो यहाँ पे मतलब सूख गया था तो ब्लैक ब्लैक डॉट जैसा हो गया। लेकिन ड्रेसिंग करने के टाइम पे बहुत इसे दर्द होता है, ऊँ ऐसी आवाज़ करती है, क्या कर सकते हैं। लेकिन भाई सेफ्टी इसकी बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास ऐसे पोमरेनियन डॉग है ना तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना क्योंकि अगर बाहर के डॉग ने काट लिया तो भाई बहुत ज़्यादा काटा तो बहुत ही रिस्की है। लेकिन छोटा सा ऐसे हुआ तब भी यहाँ पे आपको 8-10 दिन के लिए मतलब परेशान होना पड़ेगा और इसे भी बहुत दर्द होगी। तो भाई इतनी अपने डॉग के लिए सेफ्टी रखना ही रखना। चल 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 बाहर चलते, ये देखो भाग गई। तो यहाँ पे कर देते हैं आज के ब्लॉग की हैप्पी एंडिंग। आज देखो बिल्कुल भी पवन नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, देखो बहुत गर्मी है भाई बहुत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।